नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार स्टेट के रिजल्ट के बारे में। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, बिहार स्टेट का रिजल्ट आज 18 नवंबर को आ चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करने के बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो 9 और 10 के लिए स्टेट का पेपर फर्स्ट हुआ था उसमें कितने विद्यार्थियों ने पेपर दिया था और उसमें से कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं सारे सब्जेक्टों में, अलग अलग सब्जेक्ट में हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे ये स्टेट 2024 के पेपर एक जो कक्षा 9-10 के लिए शिक्षक हेतु पात्रता परीक्षा थी उसमें विषयावर सम्मिलित एवं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या दी गई है। सबसे पहले हम देखेंगे अरबी भाषा। अरबी में जो सम्मिलित अभ्यर्थी थे वो 1348 हुए थे और इसमें जो उत्तीर्ण हुए हैं वो 916 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इसका जो उत्तीर्ण प्रतिशत रहा है वो रहा है 67.95%। अगला देखिए आ जाता है आपका बांग्ला। बांग्ला जो विषय है इसमें देखिए 3242 अभ्यर्थियों ने इसमें पेपर दिया था जिसमें से उत्तीर्ण हुए हैं 2530 बच्चे इसमें उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि इसका रिजल्ट रहा है 78.04%। उसके बाद देखेंगे नंबर 3 भोजपुरी। भोजपुरी में 17 लोगों ने पेपर दिया था इसमें से सिर्फ 9 लोग उत्तीर्ण हुए हैं और इसका रिजल्ट रहा है 52.94%। इसके बाद आ जाते हैं नृत्य में। नृत्य में आप देखेंगे 647 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है जिसमें से 543 अभ्यर्थी पास हुए हैं, इसका रिजल्ट रहा है 83.93%। इसके बाद आ जाते हैं अंग्रेजी विषय में। अंग्रेजी में आप देख सकते हैं 19,777 बच्चों ने पेपर दिया है जिसमें से 16,201 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं और अंग्रेजी विषय का जो पास होने का प्रतिशत रहा है 81.92% रहा है। इसके बाद आ जाते हैं ललित कला पर। ललित कला में देखिए 3,863 अभ्यर्थियों ने इसमें पेपर दिया है जिसमें से पास हुए हैं 2,886 अभ्यर्थी, इसका रिजल्ट प्रतिशत रहा है 74.71%। इसके बाद आ जाते हैं हिंदी विषय में। हिंदी विषय में जो छात्रों ने पेपर दिया है वो 40,742 लोगों ने इसमें पेपर दिया है सम्मिलित हुए हैं जिसमें से उत्तीर्ण हुए हैं 30,641, यानी इसका जो पास होने का प्रतिशत रहा है वो रहा है 75.21%। इसके बाद देखेंगे जो मैथिली हमारी भाषा है इसमें सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या 305 और इसमें से पास हुए सिर्फ 147 और इसका रिजल्ट रहा है 48.20%। इसके बाद आता है आपका गणित का विषय और यहाँ पर देख सकते हैं गणित की विषय में जो अभ्यर्थी उन्होंने पेपर दिया था 58,591 में और इसमें से उत्तीर्ण हुए हैं 45,196 अभ्यर्थी और इसका रिजल्ट जो प्रतिशत रहा है वो रहा है 77.14%। फिर वही संगीत विषय की बात की जाए तो उसमें विद्यार्थियों ने पेपर दिया था 18,307 अभ्यर्थियों ने जिसमें से उत्तीर्ण हुए हैं 10,139 और इसका 5% रहा है, जो विद्यार्थियों ने पास किया है पेपर वो है 55.38%। उसके बाद बात की जाए पर्शियन, जो पर्शियन विषय है इसमें से 51 लोगों ने पेपर दिया था इसमें पास हुए हैं 46 लोग और इसका रिजल्ट रहा है 50.55%। फिर अगर शारीरिक शिक्षा की बात की जाए शारीरिक शिक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी हैं 10,535 उसमें से उत्तीर्ण हैं 8,820 और उत्तीर्ण का प्रतिशत रहा है 63.72%। अगला विषय देखते हैं इसका संस्कृत विषय हम देखते हैं। संस्कृत में देखा होगा आप लोगों ने इसका रिजल्ट गया है इसमें अभ्यर्थी जो सम्मिलित हुए हैं 10,293 और पास हुए हैं 8,764 और इसका रिजल्ट गया है 85.15%। उसके बाद बात की जाए विज्ञान की तो विज्ञान में आप देखेंगे सम्मिलित हुए हैं 30,995 अभ्यर्थी इसमें पास हुए हैं 23,208 यानी कि प्रतिशत रहा है इसका पास होने का 74.88%। उसका सामाजिक विज्ञान की बात की जाए तो यहाँ सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित अभ्यर्थी हैं 61,244 वहीं पर इसमें जो पास हुए हुए हैं 41,875 और पास होने का जो प्रतिशत रहा है यहाँ पर 68.37% रहा है। इसके बाद बात की जाए अगर उर्दू विषय की तो यहाँ पर देखेंगे उर्दू में जो पेपर दिया है 3,914
अभ्यर्थियों ने पेपर दिया, इसमें से पास हुए हैं 2776, यानी कि टोटल जो पास होने का प्रतिशत रहा हो रहा है 70.9%। इस प्रकार स्टेट का जो पेपर एक हुआ था उसका रिजल्ट है। इसमें हर विषय में कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे सम्मिलित हुए और उन्हें कितने उसमें से कितने अभ्यर्थी सफल हुए उनका रिजल्ट है और कितने प्रतिशत पास ही उन्हें दिया गया है। अगर कुल बात की जाए तो कुल अभ्यर्थियों ने इसमें जो उस पेपर दिया हो दिया था 263,911, जिसमें से पास हुए हैं विद्यार्थी 1,94,697 और पास होने का प्रतिशत रहा है यहाँ पर 73.77%। ठीक है, ये तो था कक्षा 10 के लिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे स्टेट में जो पेपर 2 था यानी कि कक्षा 11-12 के शिक्षक हेतु पात्रता, उसमें जो अभ्यर्थी हैं वो कितने अभ्यर्थी शामिल हुए और उनकी जो उत्तीर्ण होने की संख्या है वो कितनी है। आई होप आप लोगों को वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।